फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और अभी हम लोग जा रहे हैं पंजाब कैश एंड कैरी। हम लोगों ने अपनी दादों को अलविदा छोड़ने जाना है, वो उधर जाती होती हैं, तो हम लोगों ने उसके वापसी पे पंजाब कैश एंड कैरी भी जाना है क्योंकि दादा कह रहे थे कि पाए बनाने हैं, लेकिन पाए के लिए अभी प्याज नहीं है घर में, तो हम लोगों को इसके अभी जा रहे हैं तो प्याज भी लेके आने हैं। तो चले, अब चलते हैं प्याज लेने। फ्रेंड्स, अभी गाड़ी निकल रही है, हम लोग जा रहे हैं दादों को छोड़ने और पाए बनाने हैं, तो प्याज ले रहे हैं। बारिश में तो पाए खाने का अलग ही मजा आएगा। ये खुल चुका है, गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत ठंडा यार ये गेट, पानी से कितना ठंडा हुआ, मैं ना हाथ ही नहीं दिखाया जा रहा। चले, गाड़ी में बैठ चुका हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने दादू को अलविदा छोड़ दिया है। ये है उनका अलविदा स्कूल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दादू के अलविदा स्कूल का गेट, जिससे भी दादू अंदर जाएंगी। तो ठीक है फिर दादू, अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सब्जी वाली शॉप पे पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं जाता हूँ और उधर से प्याज लेके आता हूँ। फ्रेंड्स, ये है सब्जी की शॉप जहाँ पे मैं सब्जी लेने आया हूँ। तो ये मैंने 1 किलो प्याज ले लिए। अब हम लोग घर आ चुके हैं चीजें लेके। फ्रेंड्स, अभी हमने मम्मा को तो प्याज लाके दे दिए हैं कि पाए बनाए, जब तक वो दिन का खाना बनाती हैं। मैंने सोचा कि बेला को बुला के हम लोग एक लूडो की गेम ही खेल लेते हैं, तो अभी हम लोग लूडो खेल रहे हैं, इससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और बाद में जब मेरा पढ़ने का टाइम होगा तो फिर मैं स्टडी भी अच्छी तरह कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, लूडो की गेम बहुत अच्छी होती है, इससे टाइम भी पास हो जाता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। जीत गया, मुझे भी बन चाहिए था। फ्रेंड्स, मैं जीत चुका हूँ लूडो की गेम। अभी ये वाली खेलते हैं। हम दोनों को सिर्फ 1 चाहिए था और मेरा 1 पहले आ गया। फ्रेंड्स, अभी मैंने लूडो भी खेल ली है, तो अभी फिर मैंने सोचा कि अभी मैं स्कूल की ग्रैंड टेस्ट होने वाले हैं, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ। तो अभी मैं अपनी कॉपी लेके आ गया हूँ मैथ की, और ये फ्रैक्शन के सवाल हैं, ये तो बहुत इजी हैं। पहले ये मुझे मुश्किल लगते थे, लेकिन अब मुझे बाबा ने समझाया तो ये तो मैं फटाफट ही कर लेता हूँ। वैसे ही मेरे स्कूल में हर दफ़ा पोजिशन आती है, आप भी दुआ किया करें कि मैं ऐसे ही अच्छा परफॉर्म किया करूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी दादों को अलहुदा से लेने, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है वापस आने का, तो अभी हम लोग उनको लेने जा रहे हैं। गाड़ी निकाल ली है और अब हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग अलहुदा पहुंच चुके हैं, ये साथ है अलहुदा का गेट, अभी इधर से दादू भी आएंगी, यहाँ से हमने दादू को पिक करना है फिर सीधा घर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अलविदा पहुंच चुके हैं और ये साथ है गेट, अभी तक दादू नहीं आए लेकिन वो अभी आ रही हैं, हम लोग उनको इधर से पिक करने हैं। और ये नाभी और बेला बैठ झूलों पे खेल रही हैं। जोहर की नमाज का टाइम हो गया, सारे नमाज पढ़े और नाभी भी नमाज पढ़ी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। पहले तो सजदे की वक्त लेट जाती थी, लेकिन अब सजदा भी सही करती है माशाल्लाह। धनिया और सब्ज मिर्चे के साथ गार्निशिंग कर रही है, जिससे हमारे पाए और भी अच्छे लग रहे हैं। देखो
ये देखिए फ्रेंड्स कितनी मजेदार सी पाए की प्लेट, आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। हम एक दवाल आपको खा के दिखाएंगे कितने जबरदस्त पाए बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है, बहुत मजा आ रहा है। अभी मैंने पाए खा लिए और पाए बहुत मजे के थे। पाए खाने के बाद अनाविया कह रही थी कि मुझे साइकिल पे बैठने से मैं उसको पाए पोर्च में साइकिल अनाविया चला रही है मेरे साथ, उसको सैर करा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोनों गांड में घूमने से कुछ चीज मैंने मोबाइल को होल्ड करके बनाने होते हैं तो मैंने सोचा स्टैंड मंगवा लूं, फिर कि इसमें वाइब्रेशन नहीं होती और बिल्कुल साफ तस्वीर आप तक पहुंचेगी। वाओ ये ऐसे तो नहीं होता। वाओ ये अनाविया लेके आई है मोबाइल, तीन दफा खुलता है, शाम का टाइम हो गया और हमारा प्लान बने नानो के घर जाने का, तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नानो के घर पहुंच चुके हैं। समोसे बना रही हैं, समोसे हमने हमारे लिए बहुत मजे की चीजें बनाई हैं, समोसा भी हमने घर में बनाया है और केक भी अभी हम लोग साथ साथ खा रहे हैं, साथ साथ ही बहुत मजे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अपनी नानों के घर से वापस आ रहे हैं और फ्रेंड्स हमें वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, नानो ने बहुत ही ज़्यादा मज़े के वो समोसे भी फ्राई किए हुए थे और केक था जो ज़्यादा तो नाभिया ही चाय में डबो डबो के खा गई। फ्रेंड्स अभी अभी हम लोग नानो के घर से वापस आए थे और हमारे मोबाइल पे मैसेज आया पांडा मार्ट का कि वी आर मिसिंग यू, प्लीज कम एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम पांडा मार्ट एंड गेट ₹200 डिस्काउंट, यानी के ₹200 का डिस्काउंट। तो हम लोगों ने इस बात का फायदा उठाते ही घर आके हम लोगों ने बहुत सारी ग्रोसरी मंगवाई है जिसमें हम लोगों को ₹200 का डिस्काउंट भी मिला है। प्रूफ के लिए मैं आपको ऊपर पिक्चर शेयर करता हूँ, आप वो देख लें। हमने चिप्स मंगवाई, आइसक्रीम मंगवाई और हम लोगों ने बिस्किट्स मंगवाए और हम लोगों ने और भी बहुत सारी घर की चीजें खत्म की, तो हम लोगों ने ग्रोसरी भी मंगवा ली और साथ में लिया ₹200 का डिस्काउंट और बहुत ही मजा आया। हमारी चीजें आ चुकी हैं तो चलिए अब देखते हैं। पहले तो ये 4 आइसक्रीम आई हैं अनुसारों की और ये अंडे भी आए हैं, ये तो मैं शॉपर उठा के इधर बनाइए और ये बाकी और तो कुछ ऐसा नहीं है ना, ये बन जो अभी मैं और बाबा खाएंगे, ये 2 लेज और 2 ये वाले, एक गाला बिस्किट और ये तो भारी क्यों है, ये वो किचन के लिए और ये हमारी केचप मिक्स है दोनों मायो और केचप। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते आइसक्रीम खाते हैं वरना ये पिघल जाएंगे, पहले उठाऊंगे चॉकलेट। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग, अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो वक्त पर मिले। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।